लखीमपुर कांड के बाद लखनऊ कांड में भी थार गाड़ी बनी विलन। क्यों बनी विलन, क्या हो गया इस थार गाड़ी से, ज्यादा जानकारी के चलते अपने आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर बताएं आखिरकार ये थार गाड़ी का लखनऊ में क्या है मामला? देखिए निशांत, आपको बता दें कि लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में जो आज ट्रिपल मर्डर हुआ है और भी कुछ लोगों को गोलियां लगी हैं, उसमें जो निकल करके ये आ रहा है कि जो हत्या आरोपी हैं वो थार गाड़ी पर सवार होकर आए थे और घटना को अंजाम दिए हैं। उसी थार गाड़ी में राइफल लोडेड लेकर आए थे और इसके बाद घर में घुसकर जिस तरीके से हत्या की गई है, राजधानी लखनऊ में निश्चित तौर पर इस घटना के बाद सनसनी फैल गई है, क्योंकि इस तरीके की घटना अपने आप में बहुत बड़ी घटना कही जाएगी। इससे पहले हालांकि जमीनी विवाद को लेकर देवरिया में एक बड़ा कांड हुआ था और उसके बाद राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में जिस तरीके से ये घटना हुई अपने आप में एक बड़ा सवाल कानून व्यवस्था को लेकर भी खड़ी कर रही है। और सबसे बड़ी बात यही है कि थार गाड़ी जो बदनाम हो चुकी है, जिस तरीके से देखा गया लखीमपुर का वो चर्चित कांड जिसमें थार गाड़ी का उपयोग हुआ था, उसी तरीके से यहाँ भी लखनऊ में भी थार गाड़ी का उपयोग हुआ है और पिता पुत्र उस पर सवार होकर आए थे और जिस पर वो लोडेड राइफल लेकर आए थे, जैसे पहले से ही तय कर आए थे कि आज बड़ा कांड करना है और ऐसा ही हुआ। और जमीनी विवाद के चलते पहले काफी देर तक कहा सुनी हुई और कहा सुनी के बाद थार गाड़ी में रखी राइफल जो लोडेड बताई जा रही थी उसको निकाल कर और जो मिलता गया उस पर गोलियां दागते गए और जो है एक दंपत्ति और उसके बेटे की इस गोलीबारी में मौत हो गई, दो अन्य घायल होने बताए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई वो ये कि उसी थार गाड़ी पर सवार होकर आराम से हत्या आरोपी फरार हो गए। कोई भी गांव के लोग ये साहस नहीं जुटा पाए, हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उतना डर गए थे कि वो उसे रोक पाते। और सबसे बड़ी बात जो सीसीटीवी कैमरे में कैद होकर पूरी वारदात आई वो अपने आप में बता रही है कि जो हत्या आरोपी हैं वो किस तरीके से, कितनी निर्दयता से या कितनी निडरता से इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, वो उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। उस सीसीटीवी जो फुटेज में जो पूरी वारदात जिसमें कैद होकर रह गई है कि कैसे वो गोली चलाते हैं, पहले जो मुखिया होते हैं उनको मार देते हैं, उसके बाद उनकी पत्नी और उनके बेटे को उस वक्त मारते हैं जब गोली की आवाज सुनकर वो घर के अंदर भागती हैं और घर में घुसकर इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है। तो थार गाड़ी इसलिए विलेन फिर एक बार बन गई है। अब हम आपको पूरा मामला भी निशांत बता देते हैं जी। दरअसल ये मलिहाबाद कोतवाली इलाके की इलाके का मामला है और जहां पर बताया जाता है कि दुबग्गा में रहने वाले जो आरोपी हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, लल्लन खां, इनके पास जो है इनके पास भी 150 बीघा जमीन थी और जो इनके जिनको जिनकी हत्या की गई है उनके पास भी 150 बीघे जमीन थी। ये जो है रहमत नगर के रहने वाले हैं और मुनीर मोहम्मद नगर जो पड़ता है वहां के रहने वाले थे। तो कुल मिलाकर के दोनों के पास 150-150 बीघा जमीन होती है, लेकिन गांव के 1 किलोमीटर दूर मीठे नगर में करीब 3 बीघा जमीन थी और जिस पर लल्लन खां का कब्जा था और इसी जमीन को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद चल रहा था। और ये जो विवाद है जिसमें मुनीर और लल्लन खां के बीच, इसी विवाद पर बताया जाता है कि लल्लन खां का इस जमीन पर कब्जा था। इसको लेकर मुनीर ने एक जो है एप्लीकेशन दी थी और आज पैमाइश करना था लेखपाल को। पैमाइश होती उससे पहले जो लल्लन खां है अपने बेटे के साथ थार गाड़ी पर सवार होकर राइफल लेकर पहुंचते हैं। काफी देर तक पहले बातचीत होती है, फिर कहा सुनी में तब्दील हो जाती है और
जब बात नहीं बनती वो पीछे हटने को तैयार नहीं होते, यानी पैमाइश वापस लेने को तैयार नहीं होते हैं, तब ये लल्लन खां अपने बेटे के साथ होते हैं और फिर उनका बेटा गोलियों की बौछार कर देता है और जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत होती है, 2 लोग घायल हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद इलाके की नाकेबंदी भी कर दी जाती है, जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जाता है, लेकिन ना तो थार गाड़ी पकड़ में आती है और ना उस पर सवार होकर जो फरार हुए हैं पिता पुत्र जो हत्या आरोपी हैं वो पकड़े जाते हैं। तो कुल मिलाकर अपने आप में थार गाड़ी जिस वजह से बदनाम हो चुकी है, फिर से एक बार उसी थार गाड़ी पर कलंक लगा है उन हत्या आरोपियों के फरार होने का, या यूं कहें थार गाड़ी पर सवार होकर आने का और इस तरीके की घटना को अंजाम देने का। बिल्कुल, ये बड़ी खबर जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि लखीमपुर कांड में जिस तरह से थार गाड़ी चर्चित हुई थी, उसी तरह से इस ट्रिपल मर्डर के कांड में भी जो है थार गाड़ी सामने आई है और जो हत्या आरोपी थे बताया जा रहा है कि इसी थार गाड़ी से आकर उन्होंने हमला किया और इसी थार गाड़ी से वो फरार हो गए। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।